ये औरत अपन को यहाँ लेकर आई है सलोनी का घर बर्बाद करने के लिए। कलिका, क्या ये सच है? सच वही है जो आप सबने सुना है। अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम जैसी घटिया औरत में मैंने एक बेटी ढूंढी थी। ना मैं किसी की बेटी और ना ही मेरा कोई बाप। काका साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द नाहर को छुड़वाना होगा, उसके बाद हम कलिका को उसके किए की सजा देंगे। हाँ चलो बेटा, चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा हुआ जो आज सारी बातें खुल गई, अब ना जबरदस्ती आंखों में आंसू लाने होंगे ना झूठे रिश्तों का बोझ उठाना पड़ेगा। इस औरत के बयान से ये बात तो साबित होती है कि कलिका ने आप लोगों को धोखा दिया है, लेकिन इससे नाहर की बेगुनाही, उस खून में नाहर के शामिल ना होने की बात को हम साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा, अब तो सब जान चुके हैं कि इस सब के पीछे कलिका का हाथ था। मैडम, अदालत इसकी बात पे यकीन करके नाहर को निर्दोष नहीं मानेगी। कानून सबूत मांगता है और बिना किसी पुख्ता सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। सब खत्म हो गया सलोनी? नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। माता जी महाराज पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या सपने देखे थे हमने? हम, हमारी बच्ची, हमारी छोटी सी दुनिया। जानती हो, सुकून इस बात का है कि भले सारी दुनिया मुझे दोषी मानती हो, लेकिन आज मेरा परिवार मेरे साथ है। यहां तक कि काका साहब भी जानते हैं कि कलिका झूठी है। हम तो इस बात का है कि मैं तुम्हें बीच में छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा ना नाहर, हम आखिरी सांस तक एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन सलोनी, डूबते हुए सूरज को आस भरी निगाहों से मत देखो, उसके बाद अंधेरा ही होता है। सूरज अभी डूबा नहीं है नाहर, उम्मीद की किरण कहीं तो छुपी होगी जो पहुंचेगी हम तक। आपकी बेगुनाही का कोई तो सबूत होगा नाहर, एक बार फिर से वो वाकया याद कीजिए ना। सलोनी, मैं सोच सोच कर पागल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जो मुझे बेगुनाह साबित कर सके। नाहर प्लीज, आखिरी बार मेरे लिए, आखिरी बार याद कीजिए ना क्या हुआ था उस रात, प्लीज। तुम्हें उस रात घर छोड़ने के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा, तुम्हारे काका साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वो पेपर्स मुझे दिखाए जो क्षितिज ने उन्हें दिए थे। पेपर देखते मैंने क्षितिज को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने फिर फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर में जब उसने फोन उठाया तो वहां से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं सोच के वहां से निकला कि घर जाकर उससे सारे जवाब मांगूंगा, लेकिन एक मिनट, क्षितिज ने पहले आपका फोन नहीं उठाया और फिर जब उठाया तब उसने आपसे बात नहीं की। आपको क्या लगता है उसने आपसे बात क्यों नहीं की? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फोन करने से पहले ही क्षितिज मर चुका हो? हाँ, ऐसा हो सकता है सलोनी। हमें रास्ता मिल गया है नाहर, अब मुझे पूरा विश्वास है कि सच सबके सामने आ जाएगा।
बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए नाहर, आपकी सलोनी आपको सही सलामत वापस ले आएगी। इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं, चल जाओ यहां से। बहुत गहरा नाता है, मेरी मां है यहां पर, आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेने आई हूं मैं उसे। कलिका, तुम्हारी दुनिया एक पाप की दुनिया है और तुम्हारी उस पाप की दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं। बेटी होने का दावा करके अपनी माँ को लेने तो आई हो, लेकिन बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, कुछ जानती भी हो? तुम इंसानियत के नाम पर कलंक हो, जाओ यहां से। वो मेरी माँ है, मैं उसे जहां रखना चाहूं वहां रखूंगी, ये फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती। कलिका, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इन्हें यहां से हरगिज़ नहीं ले जा पाओगे। फाइन, तो ऐसे नहीं मानोगी, मैं पुलिस बुलाऊं। जाओ, जहां लेकर जाना है उन्हें लेकर जाओ, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। लेकिन दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना, वरना अंजाम के लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है कि जब नाहर ने क्षितिज को फोन किया था तब क्षितिज मर चुका था, वरना वो फोन क्यों नहीं उठाता, और जब फोन उठाया गया तब उसने बात क्यों नहीं की? इसका मतलब साफ है सर कि फोन कातिल ने उठाया था, और जब उसे पता चला कि नाहर क्षितिज से मिलने आ रहा है, उसी वक्त उसने ठान ली कि वो नाहर को क्षितिज के खून के इल्जाम में फंसा देगा। मुझे पूरा यकीन है सर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर आप जो कह रही हैं वो हम अदालत में साबित कर दें तो इससे आसानी से नाहर को बचाया जा सकता है। मगर वकील साहब, हम ये साबित कैसे करेंगे? अगर किसी तरह से हमें मोबाइल कंपनी से नाहर की फोन कॉल लिस्ट मिल जाए तो उससे हमें ये पता चलेगा कि नाहर ने क्षितिज को एग्जैक्टली कितनी बजे फोन किया था, और वो समय क्षितिज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उसकी मौत के बाद का हुआ, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि कातिल नाहर नहीं बल्कि कोई और है। मेरी बात सुनिए। What do you mean by आपकी कंपनी की प्राइवेसी का मामला है? एक आदमी की जान जा रही है, एक बेकसूर आदमी की जान जा रही है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी का मामला है? सर, try to understand me सर, मैं नहीं दे सकता सर, आप मुझे अरे देखता हूँ मैं कैसे नहीं तोगे आप मुझे वो रिपोर्ट। मैं नहीं दे सकता भाई साहब। सलोनी, मैं नाहर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, इस आदमी की जान भी ले सकता हूँ। Try to understand me, मैं आपको नहीं दे सकता रिपोर्ट। देखिए, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज सर हमें वो रिपोर्ट्स दे दीजिए। सर मैं दे रहा हूं सर, छोड़िए मुझे, मैं आपको रिपोर्ट्स दे रहा हूं सर। नाहर का दूसरा फोन क्षितिज के सेल पे रात के 12:35 पर आया था, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से क्षितिज की मौत 12 के आसपास हुई। इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि नाहर के पहुंचने से बहुत पहले क्षितिज मर चुका था।
हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसी सबूत के बिना पर इसी वक्त नाहर के एग्जीक्यूशन पे हमें स्टे ऑर्डर लेना होगा। अभी भी 5 बजने में 3 घंटे बाकी हैं। हमें इसी वक्त मजिस्ट्रेट के घर चलना होगा स्टे ऑर्डर के लिए। चलो जल्दी निकलो। अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? हम जज साहब से मिलना। साहब अभी सो रहे हैं, कल सुबह ऑफिस में मिल लीजिएगा। भाई साहब हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए बात सुनिए भाई साहब, मैंने आपसे खाना हट गया। देखिए आप समझ नहीं रहे मुझे जज साहब। भाई साहब देखिए भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए हमारा जज साहब से मिलना बहुत जरूरी है, आप समझते नहीं है बात को। क्या हो रहा है वहां? जज साहब सर प्लीज जल्दी से स्टे ऑर्डर पर साइन कर दीजिए वरना मेरे पति को। आप लोग प्लीज कल कोर्ट में आकर मिलिए। तब तक देर हो जाएगी, तब तक तो मेरे पति। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर प्लीज। आपकी फांसी का वक्त हो गया है, तैयारी करना शुरू करो। रुकिए सर, रुकिए। कहते हैं न्याय का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है, लेकिन धरती पर यह अधिकार आपको भी दिया गया है। ईश्वर के दूत के रूप में किसी की जिंदगी बचाना आपके हाथ में है, और कुसूरवार को सजा दिलाना भी। तो न्याय के लिए दिन क्या और रात क्या, अपना कर्तव्य मत भूलिए सर। याद रखिए आपको भी ईश्वर के पास जाना है, और जब वो सर्वोच्च न्यायाधीश आपसे पूछेंगे कि क्या तुमने मेरे दिए अधिकार का सही इस्तेमाल किया, तब क्या जवाब देंगे आप? कभी नहीं कर सकता। कलिका नाहर के खिलाफ केस लड़ रही है उसे सजा दिलवाने के लिए। मुझे कलिका के पास जाना होगा। दया करना, अगर विधि के विधान में किसी की जान लेनी ही है तो मेरी जान ले ले माँ, मेरे बेटे को बख्श दे माँ, मेरे बेटे को बख्श दे। साहब आप ही का कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए
लेकिन एक बेगुनाह को भी फांसी ना हो। फिर आप कैसे एक बेगुनाह इंसान को फांसी चढ़ने दे सकते हैं जज साहब? प्लीज आपके आगे हार चुकी हूं। आपकी जरा सी कोशिश एक जिंदगी बचा सकती है और आपके इनकार से कई मौतें होंगी जज साहब। जज साहब प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लाओ वो स्टे ऑर्डर। जाओ बचा लो अपने पति की जिंदगी। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। चलिए आपका टाइम हो गया। सलोनी मुझे माफ कर देना। कपड़ा लगाइए।